गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नया मेकअप लुक लेके। तो यहाँ पे मैंने किया है, ये गर्ल्स मेकअप लुक कह सकते हैं। इस दुर्गा पूजा मैंने लेडीज़ के लिए तो बहुत सारे मेकअप लुक निकाल दिए, लेकिन मैंने गर्ल्स के लिए कोई मेकअप लुक नहीं निकाला था। तो स्पेशली फॉर ये गर्ल्स है, अगर गर्ल्स इस दुर्गा पूजा ऐसे मेकअप करेंगी तो किसी की नज़र उनके चेहरे से नहीं हटेगी, ऐसा मेरा कहना है। आप इसको अपने फेस पर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको अच्छा ऐसा फील हो रहा है कि आप अच्छे लग रहे हैं तो आप सच में अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि जब तक हमको फील नहीं होता है कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, तब तक दुनिया की कितनी भी लोग हमको बोल दें कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम सुंदर ही नहीं लग रहे हैं। तो ऐसा होता है ना, है ना, होता है ना। तो चलिए इस मेकअप लुक को फटाफट से देख लेते हैं कि मैंने कैसे क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं आप लोग कर रही हूँ हाय, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग कंप्लीट कर लिया है, इसलिए मैं उसको नहीं करने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। डायरेक्टली आज हम प्राइमर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का प्राइमर, एंड उसको अपने टी जोन एरिया पे, यानी कि जहाँ पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे उसको अच्छे से रब करना है, ताकि हमारे जो ओपन पोर्स है वो मिनिमाइज़ हो जाए एंड हमारा जो बेस है वो स्मूथ हो जाए, जिसपे हमारा फाउंडेशन ईजिली ब्लेंड हो जाए। तो ये प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं निविया का लिप बाम। निविया के लिप बाम थोड़ा सा ये ना पिघला पिघला सा हो गया था, जैसे कि इसको बुखार लग गया हो इसलिए ऐसा हो गया। तो इसलिए मैं इसको हाथों से लगा रही हूँ। और लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है पेन स्टिक। तो यहाँ पे है ये ओलिविया का पेन स्टिक, और ये शेड नंबर है 04 रोज़ काइंड ऑफ इसका टेक्स्चर है। मैंने गलती से गलत ले लिया था, लेकिन बहुत अच्छा है, इजली एकदम ब्लेंड हो जाता है, बेस आपका स्मूथ हो जाता है। लेकिन इससे मेरा फेस थोड़ा पिंक पिंक हो जाता है, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैंने इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। एंड इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको मिरर में देख के और टेक अ टाइम दे के एकदम अच्छे से ब्लेंड कीजिए, ताकि कोई भी हार्श लाइन विजुअल ना हो और आपका जो है फेस एकदम स्मूथ लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बेबी पाउडर। आज मैं बेबी पाउडर को, जॉनसन्स बेबी पाउडर को एज अ बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे, क्योंकि हमारा जो इसे जो बेकिंग करने से हमारा फेस का जो फेस मेकअप है ना बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है ना, एंड बहुत अच्छा भी लगता है इसलिए। और जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है उस जगह पे मैं अच्छे तरह से एक ड्राई स्पंज से लूज़ पाउडर अप्लाई कर लूँगी, एंड देन अपने आईज़ पे एंड अपने कंटूरिंग के नीचे फोरहेड पे एंड थोड़ा सा नोज़ पे, एंड देन इसको हम एक दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि हमारा जो फेस का एक्स्ट्रा ऑयल है ये सारा अब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है सफार का मिनी आई शेडो पैलेट, उसमें से मैंने लिया है एक एकदम स्किन कलर का लाइट ब्राउन, एकदम लाइट ब्राउन शेड लेके अपने पूरे क्रीज लाइन पे एंड आई लीड के ऊपर अप्लाई कर लिया। आई मेकअप बहुत ज़्यादा सिंपल रहने वाला है, क्योंकि गर्ल्स उतना ज़्यादा बोल्ड मेकअप पसंद नहीं करती हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड नेचुरल मेकअप लुक के लिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। इसीलिए इसमें मैंने बस एक हल्का सा ब्राउन कलर का शेड लेके एंड पूरे अपने आईलिड पे बस यही अप्लाई कर लिया, पूरे आँखों पर यही अप्लाई कर लिया एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। बस यहाँ पे हो गया हमारे आँखों का काम। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है एंड जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पाउडर है उसको डस्ट आउट कर दिया है एंड पूरे, और उसी को अपने पूरे फेस पे भी ब्लेंड कर लिया, जिससे कि हमारा जो स्टिक है वो भी सेट हो जाए एंड हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हाईलाइट तो हो ही चुका है, क्योंकि वहाँ पे स्किन ने अब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद उसी पाउडर से मैं पूरे फेस पे मिला भी लूँगी एंड हटा भी दूँगी, तो कुछ इस तरह से मैं कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लाइनर। लाइनर मैं एकदम थिन सा ड्रॉ करने वाली हूँ, और नो विंग्स, आपने बहुत बड़े बड़े विंग्स निकालते हुए देखेंगे, लेकिन आज विंग्स की छुट्टी है इसलिए मैंने विंग्स नहीं लगाया है। और यहाँ पे बस हल्का सा एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, और ये है एनवाईवी का लाइनर, लिक्विड लाइनर, तो बहुत ही केयरफुली मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया मेबलिन का ग्लोसल काजल, उसको मैंने अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन पे दोनों पे अप्लाई कर लिया है अच्छे से, एंड बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं रखा है, एकदम वाटर लाइन पे ही अप्लाई किया है बस, और कुछ नहीं किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मस्कारा, ये है ब्लू हेवन का लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा, और उससे मैं अपने आईलैशेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि हमारे आईलैशेस जो हैं वो थोड़े बोल्ड एंड यूनिक एंड थोड़े थिक लगे।
इसलिए मैं उसको थोड़ा ऊपर की तरफ करते हुए मैं अप्लाई कर लूँगी। एंड देन वही प्रोसेस मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक लिक्विड रेड लिपस्टिक और एज आ ब्लशर मैं आज इसको अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि आज हम ब्लशर को स्किप करने वाले हैं। और ये है एक हैक भी हो गया आपके लिए। तो अगर आपको आपको ये ऐसे क्या होता है, मैट लिपस्टिक से अगर आप ब्लशर लगाते हैं ना, इससे बहुत टाइम तक स्टे करता है एंड वाटर प्रूफ स्मच प्रूफ होता है ये ब्लशर। इसलिए मैं आज सोचा मैंने ऐसे अप्लाई करती हूँ। और मैंने इसको फिंगर से रब किया, क्योंकि मैं अभी कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इसमें बहुत जल्दी ड्राई हो गया था, ड्राई ना हो जाए इसकी वजह से मैंने अपने हाथों से जल्दी से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर उसी आई शेडो पैलेट से कंटोरिंग कर रही हूँ, हल्का हल्का सा शेप दे रही हूँ अपने पूरे फेस को। देखिए हम कितना बचा बचा के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंटोरिंग के लिए। आपको कंटोरिंग पैलेट नहीं लगा, आपने जिसमें से आईशेडो लिया उसी में से कंटोरिंग भी ले लिया। अब मैं वही एकदम लाइट सा कंटोरिंग कर रही हूँ, ताकि हमारा फेस का लुक भी आए एंड देन किसी को पता भी नहीं चले कि हमने कुछ किया है। तो इसलिए मैंने एकदम लाइट सा शेड लिया है एंड उससे अपने पूरे फेस को शेप देने की कोशिश की। ऐसा नोज़ पे भी मैंने उसी ब्रश को थोड़ा सा फ्लैट करके एंड उसको अपने नोज़ को शेप दिया है, नोज़ पे कंटूरिंग किया। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ए डी एस का है, ये ए डी एस का आईब्रो पेंसिल लिया है एंड देन उसको मैंने अच्छे से अपने आईब्रोज़ के शेप के अकॉर्डिंग फिल आउट कर दिया है एंड देन अपने फिंगर की हेल्प से उसको डस्ट आउट भी कर दिया, यानी कि जहाँ थोड़ा ज़्यादा लग गया है तो वो थोड़ा अच्छे से रिमूव हो जाए। और यहाँ पे मैं अपने बस अपने फेस के अकॉर्डिंग एकदम हल्का हल्का ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये पेंसिल इतना ज़्यादा डार्क है, अगर आप इसे काजल भी लगा लेंगे तो लगेगा कि आपने काजल लगाया, कोई नहीं कहेगा कि आपने एक पेंसिल का यूज़ किया, इतना ज़्यादा डार्क है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली लगाती हूँ ताकि मेरी आईब्रो बोल्ड ना हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया है ब्लशर, ये है स्विस ब्यूटी का ब्लशर, इसमें 4 शेड एक साथ आते हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से लगाया ताकि ज़्यादा पिगमेंटेड लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक, यहाँ पे ये मेहरून कलर का काइंड ऑफ शेड है, मेहरून, डार्क मेहरून, मेहरून कलर का ना मैट लिपस्टिक बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। डार्क भी बहुत अच्छे, वो लिक्विड वाले जो होते हैं वो ही बहुत अच्छे लगते हैं, और सॉरी लिक्विड मैट लिपस्टिक है, मतलब किसी भी तरीके का लिपस्टिक हो, मेहरून कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैट है, और मैट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। और इस वाले मैंने लिपस्टिक को अपने पूरे लिप्स पे अपने लिप्स के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लिया। देन मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे लगा लिया है, और मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी इसलिए आपको दिखा नहीं कि मैंने कब लगाया, बट मैंने लगा लिया। आपको दिख तो रहा है ना मेरे फेस पे वाटर, बस लगा लिया उसको, डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लिया, हमारा फेस मेकअप हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ हेयर स्टाइल, मैं इतनी परेशान हो गई थी ना इस हेयर स्टाइल को करने में, मैं बता ही नहीं सकती आपको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मेरे को कैसे करना है। मैंने कहीं देखा था इस हेयर स्टाइल को, वही मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाया। मैंने सारे ब्रश हेयर को लेके एंड उसको बस एक क्लचर लिया है और उसको पीछे की तरफ कर दिया है, थोड़ा सा रफ़ सा हेयर में बनाने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा रफली सा, तो वही कर रही थी। और देखिए कितना गंदा लग रहा है ना मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। फिर मैंने कैमरा ऑफ किया, उसके बाद मैंने फिर से ये वाला, ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। तो ये है मेरा हेयर स्टाइल निकला है, मुझे सेंटर से बाल को निकाला तो मुझे साइड से बाल को निकालना था, तो फिर मैंने बहुत कोशिश किया, फिर उसके बाद मेरे से मुश्किल से ये हेयर स्टाइल बन पाया। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, बहुत परेशानी हुई है मुझे इस हेयर स्टाइल को कैरी करने में। और आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और ये है इयररिंग्स, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना। और ये मेकअप लुक आप लोगों के लिए कैसा लगा, और गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो मस्ट हैव मेकअप लुक है जो आप कैरी कर सकते हैं, एकदम नेचुरल भी लगेगा एंड किसी को पता भी चलेगा आपने इतने सारे मेकअप का प्रोडक्ट अपने एक मेकअप लुक को क्रिएट करने में किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के बाद आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब किया कि नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।